हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JEE 2025 के IITs के लिए क्या कुछ कट ऑफ हो सकती है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि IIT में एडमिशन के लिए आपको JEE एडवांस के रैंक कंसीडर होते हैं। JEE एडवांस में कितना रैंक आपका बनता है वही कंसीडर किया जाता है। इसमें आपके JEE मेन सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो एडवांस में बैठने के लिए इलिजिबल हो गए, और उसके बाद जब एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे, इसमें बैठेंगे और एडवांस का जो रैंक आएगा उसी के बेस पे आपको IIT का सीट मिलेगा। मान के चलो मेन में आपके 93-94 परसेंटाइल भी बनता है, लेकिन एडवांस में आपके 1000 रैंक के अंदर आ गए तो आपको बेटर IIT के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिल जाएगा। किस IIT के लिए कितने रैंक तक लेकर के आने पड़ते हैं, कौन से ब्रांच के लिए, सारे ही ब्रांचेज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। साथ ही पिछले वीडियो में हमने NIT के बारे में डिस्कस किया था। NIT मिलता है किसके थ्रू, मेन के थ्रू। तो मेन में कितने परसेंटाइल आपके आने चाहिए, कितने रैंक पे आपको कौन से ब्रांच, कौन से NIT के अंदर मिल पाएंगे, सारी बातें हमने डिस्कस किया था उस वाले वीडियो में, इसके पहले वाला वीडियो में, जिसमें हमने कंप्यूटर साइंस के लिए अलग डिस्कस किया था। और आपको अगर कोई एक सीट चाहिए, सिर्फ आपको NITN बनना है तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए, सारी ही चीज़ें डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, साथ ही ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो एंड स्क्रीन पर भी हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो को देखिए जिसमें हम IITs के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज मार्क्स एंड रैंक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप सभी के लिए आती रहती है। साथ ही JEE मेन के एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक हम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इवन आपके काउंसलिंग में भी हम लोग कंप्लीट मदद करते हैं, ठीक है। ये पूरा चैनल ही JEE वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो जल्दी से सब्सक्राइब करके भी आप जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे JEE एडवांस में कितना कॉम्पिटिशन है। देखो JEE एडवांस के बारे में अगर हम बात करें तो कौन बच्चा दे सकता है, आफ्टर 12th आप 2 साल दे सकते हैं, 12th एज अ अपियरिंग, पहला वो साल जब आप 12th में है, और दूसरा वो साल एग्जाम दे सकते हैं जब 12th के बाद ड्रॉप लेकर के 1 साल, मतलब JEE एडवांस का एग्जाम कोई बच्चा सिर्फ 2 ही बार दे सकता है, एक बार एज अ अपियरिंग और उसके एक बार ड्रॉप लेकर के। और अगर हम ओवरऑल स्टूडेंट की बात करें तो हर साल सिर्फ CBSE से 16 लाख से ज्यादा बच्चे 12th एग्जामिनेशन पास करते हैं, जबकि अदर स्टेट बोर्ड को मिला लें तो लगभग 70 से 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो हर साल 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को पास करते हैं, जिसमें JEE मेन के एग्जामिनेशन में पहले तो कम बच्चे थे, लगभग 11 लाख के आसपास, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चा बढ़ते जा रहा है। और पिछले बार 14.5 लाख था, और इस बार तो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 15.5 से लेकर के 16 लाख के आसपास बच्चे अपियर होने वाले हैं JEE मेन के एग्जामिनेशन में। तो मेन में तो ज्यादा अपियर होते हैं, लेकिन एडवांस में भी जो क्वालिफाई करते हैं एडवांस के लिए सिर्फ 2.5 लाख बच्चे होते हैं, और 2.5 लाख में से सारे बच्चे एग्जाम में अपियर नहीं होते, अपियर केवल 1,80,000 या 1,90,000 के आसपास होगा। और उसके अलावा जो बच्चा है क्वालिफाई करने के बाद भी एडवांस में अपियर नहीं होता है, और उसमें भी क्वालिफाई करेगा सिर्फ और सिर्फ 45,000 के आसपास बच्चे एडवांस, और 45,000 जो क्वालिफाई करेगा सभी को एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन सिर्फ 17,760 बच्चे को पिछले बार मिला था, और इस बार थोड़ा सा सीट बढ़ता है 25 में तो लगभग आप मानकर चलो 18,000 के आसपास बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो भाई ये सिनारियो चलता है एडवांस के एग्जामिनेशन के अंदर, जिसके थ्रू आपको IIT के अंदर एडमिशन मिलता है। तो ये तो रहा कंपटीशन की बात, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कंप्लीट डिस्कशन। और ये कंप्लीट डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से भाई आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से करने पड़ेंगे JEE मेन, और आपको साथ में एडवांस की भी तैयारी अभी से ही करते रहना पड़ेगा, ताकि आप एडवांस के अंदर एक अच्छा रैंक लेकर के आएं और आप भी एक IIT का सीट सिक्योर करें। और इतने बड़े कंपटीशन में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप किस तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और जाकर के फिर टेस्ट को लगाते हो, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको अपनी जांच करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं JEE 1 की तरफ से प्रिडिक्टर पेपर लॉन्च किया गया, ठीक है। ये प्रिडिक्टर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, बहुत कम प्राइस में है, 499 में भी आप जैसे ही ये कोड JEE150 यूज करेंगे आपको 150 का और डिस्काउंट मिल जाएगा, टोटल आपको 349 तो 349 में ही आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर टोटल 15 फुल टेस्ट होंगे, 5 पार्ट टेस्ट होंगे, उसके बाद में चैप्टर टेस्ट 90, साथ ही 92 JEE का प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका नाम ही है JEE मेन प्रिडिक्टर पेपर, मतलब इसमें वैसे ही क्वेश्चन रखे जाएंगे जो JEE मेन के एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं, सेम लेवल के क्वेश्चन। ये करके जाओगे तो JEE मेन के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और सबसे बड़ी बात
तो जेईई मेन के एग्जामिनेशन में जब जाते हो तो एनटीए आपका एग्जाम लेता है, तो सेम इंटरफेस यहां पे आपका रहेगा। देख सकते हो जेईई मेन का एग्जाम जब देने जाओगे तो इसी तरीके का इंटरफेस होता है, तो यही इंटरफेस रहेगा। साथ में उस टेस्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 349 में आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर के सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जेईई 1 पे बैच भी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, नमो कॉल सर, पूर्णिमा कॉल मैम, समीर सर एवं उनकी पूरी टीम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें क्लास 11 के लिए जीनियस और क्लास 12th या फिर ड्रॉपर के लिए जीवन बैच है, जिसमें डिटेल्ड लेक्चर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, साथ ही रिविजन के लिए डीपीपी, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है एट द कॉस्ट ऑफ 2499 11th के लिए और 4499 आपके क्लास 12th या फिर ड्रॉपर के लिए। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप ये कोड यूज करिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बैच या फिर जेएमपीपी जो मैंने आपको बताया उसको ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पे एक लिंक मिलेगा, जेईई 1 का ऐप वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद रजिस्टर आपको कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जेईई 2025 पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहां पे सारे बैच आपको मिल जाएंगे, 11th के लिए, 12th के लिए, ड्रॉपर के लिए सारे ही बैच मिल जाएंगे। कोई सा भी बैच ज्वाइन करिएगा, कोड आपको लगाना है ZEE150, हर बैच पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो मैंने बैच बताया उसके अलावा भी कई सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, रिवीजन के लिए भी मिल जाएंगे। और जब आप जेएमपीपी परचेस करने जाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाना है, ऑल पे प्रेस करिएगा तो यहीं पे आपको प्रेडिक्टर पेपर फॉर जनवरी मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां से बाय नाउ पे क्लिक करना और यहां पे कोड आपको लगाना है, ठीक है, अप्लाई कूपन ZEE150 आपको लगाना है। तो यहां से आपको 150 का डिस्काउंट मिल जाएगा जेएमपीपी पे, और वहां से बैच परचेस करिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा बैच पर। तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिले इसीलिए मैंने ये प्रोसेस आपको बताया है, ठीक है। तो अभी जाके परचेस कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही कोड भी डाल देंगे। तो यहां से जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिशन तो आपने समझा, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर निकलकर सामने आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। आईआईटी के अंदर एडमिशन उसी का हो सकता है जिसकी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 75% का मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि जोसा काउंसलिंग के लिए वही इलिजिबल होगा, या फिर टॉप 20%। तो देखो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो यही कारगर होता है, यही काम आता है, क्योंकि टॉप 20% सीबीएसई बोर्ड का देखा जाए तो लगभग 78-79% हो जाता है। स्टेट बोर्ड वाले में ये टॉप 20% फायदेमंद होता है। तो दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आपका आईआईटी के अंदर एडमिशन के लिए आप इलिजिबल होंगे, ठीक है। होता क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा मार्क्स करने वाले बच्चे थोड़े ज्यादा होते हैं, तो 20% बच्चे जो होते हैं वो 75% से ज्यादा मार्क्स लाए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे टॉप 20% जब निकाला जाता है तो 75% से ज्यादा होता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। लेकिन स्टेट बोर्ड वाले में टॉप 20% जो होता है वो लगभग 70-72% के आसपास में रहता है। तो दोनों में से कोई भी एक फुलफिल आपको करना चाहिए। और वहीं जेईई मेन के लिए अगर आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब तक आप जेईई मेन का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेंगे एडवांस में अपीयर नहीं हो सकते, तो मिनिमम 150 मार्क्स, ठीक है, 150 प्लस मार्क्स, क्योंकि पिछले बार 2024 में ये था 93.23, ठीक है, ये परसेंटाइल गया था, तो इस बार मान के चलो 94.5-95% जाएगा। 94.5 तो मिनिमम आप मान कर चलो कि इतने परसेंटाइल कम से कम मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे, ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए थोड़ा कम जाता है। तो हम अगर जनरल की बात करें तो मिनिमम जिस बच्चे का 150 नंबर होगा वही जेईई मेन क्वालिफाई करेगा और एडवांस के लिए इलिजिबल होगा। अदर कैटेगरी वाले बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे तो आप इसको लगभग 140 कर लीजिए, 140-140 प्लस मार्क्स। और अगर एससी एसटी वाले बच्चे हैं तो आपके लगभग 100 नंबर या 110 नंबर के आसपास आपके जेईई मेन क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप एडवांस के अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो अगर हम एडवांस की बात करें तो सबसे पहला सवाल यहां पे आता है एडवांस कितने मार्क्स के होते हैं। देखो मैं आपको बताऊं एडवांस कितने मार्क्स के होते हैं ये किसी को नहीं पता, इवन आप एग्जामिनेशन दे रहे हो ना तो आपको भी नहीं पता होगा कि एडवांस कितने मार्क्स के होने वाले हैं। जब आप सेंटर पर जाओगे उसी दिन आपको पता चलेगा कि हाँ इस बार इतने मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। और दो पेपर होगा, जब आपके पास पेपर वन आएगा ना तो उसी समय आपको पता चल जाएगा। मान के चलो पेपर वन 180 नंबर का है तो आपके पेपर टू भी 180 नंबर के आएंगे, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपके 360 नंबर के एग्जामिनेशन हुए हैं। तो पिछले कई सालों से 360 नंबर के ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे, ठीक है। एडवांस के एग्जामिनेशन आईआईटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और कोई एक इंडिविजुअल आईआईटी के द्वारा नहीं, हर साल अलग आईआईटी को कार्यभार दिया जाता है। जैसे जेईई मेन के एग्जामिनेशन एनटीए लेता है और हर साल एनटीए लेता है, लेकिन एडवांस के एग्जामिनेशन आईआईटी तो लेता है लेकिन हर साल अलग अलग आईआईटी, कभी आईआईटी मद्रास ले लिया, कभी आईआईटी बॉम्बे ले लिया, कभी आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट किया गया। और इस बार जो 2025 के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला एडवांस का, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आईआईटी कानपुर के द्वारा कंडक्ट हो, क्योंकि कहीं कहीं से कुछ न्यूज निकलकर सामने आई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार आईआईटी कानपुर के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। पिछले कई सालों से 360 नंबर के ही एग्जामिनेशन हो रहे, तो आप मानकर चलिएगा कि इस बार भी आपके 360 नंबर के एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी मार्क्स के बेसिस पर अगर हम कॉम्पिटिशन का अंदाजा लगाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए
हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम मार्क्स लेकर के आना पड़ता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मिनिमम इतना मार्क्स होना चाहिए और एग्रीग्रेड करके इतना मार्क्स आपके होने चाहिए। ये हर साल होता है कि मतलब मिनिमम एक मार्क्स फिक्स किया जाता है कि इतना मार्क्स से ज्यादा जो लेकर के आएगा वही एडवांस के अंदर क्वालिफाई करेगा और वही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि जेईई एडवांस के बाद आपके एक जोसा काउंसलिंग होता है और जोसा काउंसलिंग के अंदर वही पार्टिसिपेट कर सकता है। देखो पार्टिसिपेट सभी कर सकता है, लेकिन जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तो वहां पे आईआईटी का ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आपके पास एक रैंक होगा, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो अगर हम जनरल की बात करें सीआरएल यानी कॉमन रैंक लिस्ट के बारे में, तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 10 नंबर होना चाहिए था पिछले बार। तो हर सब्जेक्ट में 10 नंबर मतलब तीन सब्जेक्ट में 30 नहीं, कम से कम हर सब्जेक्ट में 10 नंबर होना ही चाहिए और टोटल 109 नंबर। अगर 109 नंबर से ऊपर है तो आपको एक रैंक मिल जाता और आप जेईई एडवांस क्वालिफाई करके आपके पास रैंक होता और आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। तो मिनिमम 10 नंबर का मतलब क्या हुआ? अगर मिनिमम 10 नंबर, अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 9 नंबर आ गए और किसी में आपके 50 नंबर आ गए, किसी में आपके 55 नंबर आ गए, तो ऐसे में आपके मिनिमम मार्क्स से ज्यादा तो नंबर आ गया लेकिन एक सब्जेक्ट में आपका 9 नंबर है जबकि होना चाहिए 10 नंबर, इसलिए आपको एडवांस से बाहर कर दिया जाएगा। आपके काउंसलिंग के अंदर आईआईटी का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए? 10 नंबर, ठीक है? वहीं ओबीसी एनसीएल के बारे में अगर हम बात करें तो ओबीसी एनसीएल के लिए मिनिमम 9 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए भी मिनिमम 9 नंबर, एससी के लिए मिनिमम 5 नंबर और एसटी के लिए मिनिमम 5 नंबर। और वहीं बात करें ओबीसी एनसीएल के लिए टोटल एग्रीगेट मार्क इनके होने चाहिए 98, ईडब्ल्यूएस के लिए 98, बाकी अदर जो कास्ट कैटेगरी है एससी एसटी के लिए 54 मार्क्स। तो ये मिनिमम मार्क्स अगर होता एडवांस के अंदर कितने आउट ऑफ 360, तब आप एडवांस के अंदर भी क्वालिफाई करते और आपको एक प्रॉपर रैंक मिलता और उसके थ्रू आप काउंसलिंग कर पाते और इसमें आईआईटी का ऑप्शन आपको वहां पे दिखता। लेकिन इसमें भी ये फिक्स नहीं है कि आपको आईआईटी का सीट मिल ही जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं। तो क्वालिफाई का मतलब ये हुआ कि आप 2.5 लाख बच्चे के अंदर आ गए, लेकिन सीट तो भाई 18,000 के आसपास ही रहने वाली है। तो 18,000 सीट है और बच्चे कितने हैं? 2.5 लाख। तो इसमें से भी उसी का एडमिशन होगा जो टॉप रैंकर बच्चा होगा। कितने रैंक तक कौन से ब्रांच मिले थे वो भी हम बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना, 2022 से अगर कंपैरिजन करें तो यही जो था 55 मार्क्स था। आप देख सकते हैं मिनिमम 55 300 में से 55 मार्क्स जो लेकर के आ जा रहा है वो क्वालिफाई कर रहा है और वही बढ़ करके 2024 में 109 मार्क्स हो गया कंपटीशन का। आप यहां से समझना, अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो 50 नंबर था और यही बढ़ करके 98, लगभग डबल हो गया। दो साल के अंदर लगभग एडवांस के जो मार्क्स है वो डबल हो गए जिससे कि आप एडवांस को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके का कंपटीशन है भाई, आप इसको लगभग मान के चलना कि जनरल कैटेगरी वाला का लगभग 130 से 135 नंबर कम से कम आउट ऑफ 360 इतना रहेगा ना आपका अगले साल, तभी आप एडवांस को क्वालिफाई कर पाओगे और आपको एक रैंक मिलेगा एडवांस के अंदर। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई काफी डेप्थ वाली बात थी, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को आप बैक करके फिर से देख लीजिए, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम समझते हैं मार्क्स वर्सेज रैंक, ठीक है? कितने मार्क्स पे आपके कितने रैंक बन जाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इतने रैंक तक हमको लाना है तो हमें कम से कम इतना मार्क्स तो भाई लेकर के आना ही पड़ेगा आउट ऑफ कितना 360। तो जो रैंक वन वाला बच्चा था इस बार 2024 के अंदर 355 नंबर लेकर के आया, 355। 2023 में ये 341 मार्क्स लेकर के आया था और 2022 में 2022 में रैंक वन वाला जो बच्चा था 314 मार्क्स लेकर के आया था आउट ऑफ 360। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भाई पेपर का लेवल थोड़ा इजी हो रहा है और बच्चों के अंदर जागरूकता भी बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ रहा है बच्चा। इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? 360 में से 360, तो आप मान कर चलो कि अगले बार जो बच्चा होगा वह लगभग 360 में से 360 मार्क्स लेकर के आएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दें कि जब इसके पहले आईआईटी कानपुर के द्वारा एडवांस कंडक्ट हुआ था तो उस समय पेपर उनका थोड़ा टफ था, तो आप मान कर चलना कि अगर पेपर टफ हुआ तो ये कम भी हो सकता है। मान के चलिए रैंक वन वाला बच्चा है, एक दो क्वेश्चन अगर गलत करता है तो उसके कम मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि रैंक वन वाला बच्चा 360 में से 360 ला सकता है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, जिस बच्चों को अंडर 100 रैंक के अंदर रहना है उनको कम से कम 302 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, मतलब 300 से ज्यादा नंबर उनको लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आईआईटी बॉम्बे जैसे जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं मिल पाएगा। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर सीट चाहिए तो आपको 60 से लेकर के 65 रैंक के अंदर रहना पड़ेगा अगर आपको वहां पे कंप्यूटर साइंस का सीट चाहिए तो, और इसके लिए मिनिमम आप मार्क्स मानकर चलो 320 नंबर के आसपास, ठीक है? अगर आपको ये रैंक के अंदर रहना है तो, अगर आपको 500 रैंक के अंदर रहना है तो 258 नंबर मिनिमम, अगर आपको 1000 रैंक के अंदर रहना है तो लगभग 232 मार्क्स के आसपास लेकर के आने पड़ेंगे आउट ऑफ 360। अगर आपको 2500 रैंक के अंदर रहना है तो लगभग 200 मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे और 5000 रैंक के अंदर रहना है तो आपके 173 मार्क्स के आसपास लेकर के आने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम आगे बात करें लगभग ये 7500 रैंक इसको मानो, ठीक है, 7500 के आसपास रैंक लेकर के आना है तो आपके लगभग 160 प्लस मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे एडवांस के अंदर। और आप मानकर चलना कि जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है
इतना रैंक तक उनको आराम से आईआईटी के अंदर एक सीट मिल जाता है। मतलब अगर आप 160 मार्क्स के आसपास लेकर के आ जाते हैं तो आपको आईआईटी का एक सीट मिल जाएगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। लेकिन ये जो है एससी एसटी कैटेगरी वालों को लगभग 15,000, 17,000, 20,000 रैंक तक भी उनको सीट मिल जाता है। कई सारे बच्चों को 22,000-25,000 रैंक तक भी मिल जाता है सीट। लेकिन आप ये बात मानकर चलना कि सीट है सिर्फ 18,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन इसमें से ही कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जेई मेन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लेकिन एडवांस में अच्छे नहीं आ पाते, 20,000-22,000 रैंक आ जाते हैं और उनको लास्ट का आईआईटी के अंदर नीचे का ब्रांच मिलता है तो वो ना लेकर के वो फिर चले जाते हैं एनआईटी त्रिची वारंगल जैसे अच्छे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के लिए। तो इसीलिए ये सीट जब खाली होगा तो किसको मिलेगा, जो बच्चे का थोड़ा सा ज्यादा रैंक होगा उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मान कर चलना कि इतने रैंक तक आपको जो कॉलेज है वो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये साल दर साल हर बार जो है ना मार्क्स जो है इंक्रीज होते जा रहा है। देखो 5,000 रैंक के लिए पहले 115 नंबर लेकर के आना पड़ रहा था, उसके बाद में 153 हुआ और 2024 में 173 मार्क्स के आसपास जिस बच्चे का था उसी का 5,000 रैंक आ रहा था। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है उस साल। इस साल 2025 में पेपर के डिफिकल्टी लेवल अपर रहने की ही पॉसिबिलिटी है। हालांकि बच्चे तो नहीं बढ़ते, बच्चे 2.5 लाख ही बैठते हैं, लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो कम मार्क्स पर भी आपके अच्छे रैंक बनेंगे, तो वो डिपेंड करेगा उस समय, ठीक है। अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे सेफ स्कोर फॉर आईआईटी, तो देखो इसमें हम तीन कैटेगरी में आईआईटी को डिवाइड किए हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 में वैसे आईआईटीज हैं जिनके एनवायरमेंट काफी सही है, जो अच्छे लोकेशन पर हैं और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा होता है, जहां बच्चों के जाने का ड्रीम होता है, जैसे आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, ये सारे टीयर 1 के आईआईटीज हैं। अगर हम आईआईटी इंदौर की बात करें, बीएचयू वाराणसी की बात करें, आईआईटी धनबाद की बात करें, भुवनेश्वर, गांधीनगर, रोपर, पटना, मंडी, ये सारे टीयर 2 आईआईटीज के अंदर आते हैं। और टीयर 1 में आईआईटी जोधपुर हो गया, तिरुपति हो गया, भिलाई हो गया, गोवा हो गया, पलक्कड़ हो गया, धारवाद हो गया और उसके बाद में जम्मू, ये सारे जो आईआईटीज आप देख पा रहे हैं ये सारे टीयर 3 आईआईटीज के अंदर आते हैं। तो हम तीनों ही कैटेगरी के सबसे पहले उठाएंगे सबसे टॉप लेवल का आईआईटी और उसके एक सबसे नीचे का आईआईटी, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इसमें जाने के लिए कितना रैंक चाहिए और इसमें जाने के लिए कितना रैंक चाहिए। उसी तरीके से टीयर 2 का जानेंगे और टीयर 3 का जानेंगे, जिससे कि आपका सारा डाउट ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मिनिमम आपके कितने रैंक लेकर के आने पड़ेंगे किस आईआईटी के अंदर कौन से ब्रांच के लिए। तो अगर हम टीयर 1 के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे का। तो मैंने बॉम्बे में आपको बताया है कि कंप्यूटर साइंस का जो ब्रांच है वो लगभग 70 रैंक के आसपास क्लोज हो जाता था, 2024 में 68 पे क्लोज हो गया था और उसके पहले 2023 में ये 67 रैंक पर क्लोज हो गया था और जिसके लिए 284 मार्क्स लेकर के आने की जरूरत पड़ी थी। 284 नंबर पर आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिल गया था। उसके पहले 61 रैंक पे क्लोज हुआ था और इसके लिए लगभग 280 नंबर। तो आप अंदाजा लगाकर चलना 2025 के अंदर मिनिमम 300 मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे अगर आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच चाहिए। तो उससे नीचे अगर आप इलेक्ट्रिकल वगैरह ले सकते हैं तो आपके 496 रैंक, मतलब 500 रैंक के आसपास भी मिल जाएगा। और लास्ट जो इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो लगभग 4,000 रैंक के आसपास भी आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर मिल जाता है। मतलब आप इसे 5,000 में मानकर चलो, एक बार तो 5,401 पे मिला, तो वो डिपेंड करता है कि इसमें बच्चा जो है लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा है। तो लगभग 5,000 रैंक के आसपास आपका आता है और आप नीचे के ब्रांच ले सकते हैं तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चे क्या करते हैं जिनका 5,000 रैंक है और आईआईटी बॉम्बे के अंदर बहुत नीचे का ब्रांच मिल रहा है, तो इससे अच्छा कोई और एनआईटी के अंदर टीयर 1 के अंदर ही उनको कंप्यूटर साइंस या फिर ईसीई जैसे अच्छे ब्रांच मिल सकते हैं। तो ये सारा काउंसलिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर आप 5,000 रैंक के अंदर भी लेकर के आ रहे हो तब आप सेफ हो भाई, आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर सीट मिल रहा है। वहीं अगर हम टीयर 1 आईआईटी के अंदर थोड़ा सा नीचे का, मतलब आईआईटी दिल्ली की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके 166 रैंक के आसपास तक मिल जाता है। तो आप मानकर चलना 280 नंबर के आसपास आपके आते हैं आउट ऑफ 360, तो यहां पे भी आपको कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल जाएगा। बाकी ये तो आपके 6,500 रैंक तक भी मिल जाएंगे ये कॉलेज, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच तक ले सकते हो। टेक्सटाइल वगैरह इसके अंदर है जो आपके कम रैंक पर भी मिल जाएंगे। इसी में टीयर 1 के 9th या 10th नंबर का जो आईआईटी है, आईआईटी हैदराबाद, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको 650 के आसपास रैंक तक भी मिल जाएगा और इसमें बहुत नीचे के ब्रांचेस तो नहीं है लेकिन मैकेनिकल तक है, तो मैकेनिकल आपके 4,500 तक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इससे आप थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे टीयर 3 के अंदर अगर आप जाएंगे तो धारवाड में कंप्यूटर साइंस का देख सकते हैं 6,500 रैंक के आसपास आपको सीट मिल रहा है। कितना? 6,500 रैंक के आसपास भी आपको सीट मिल जा रहा है कंप्यूटर साइंस का सीट, किसमें? आईआईटी धारवाड के अंदर। जबकि बॉम्बे में तो इससे कम में आपको बहुत नीचे के ब्रांच मिल रहे थे, इससे कम के लगभग 5,500 रैंक है लेकिन आपको वहां पे बहुत नीचे के ब्रांच मिल रहे थे और यहां पे उससे भी ज्यादा रैंक है,
6375 पर आपको कंप्यूटर साइंस का सीट मिल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है टीयर वन आईआईटी के अंदर जाना और टीयर थ्री आईआईटीज के अंदर जाना, ठीक है। लेकिन अगर आपका ड्रीम कंप्यूटर साइंस ही है, ईसीई जैसे अच्छे ब्रांच है, तो भाई आप कोई सा भी आईआईटी के अंदर जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हैं लगभग 16,000 के आसपास रैंक तक सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर अवेलेबल है आईआईटी धारवाद के अंदर, और ये 15,945 मतलब 16,000 के आसपास रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिला है। उसी तरीके से टीयर टू आईआईटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 15,000 रैंक तक, ये सारा जो मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जनरल कैटेगरी का डेटा है। यहाँ पे आपके कहीं भी कैटेगरी रैंक नहीं है, ये सारे जनरल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जनरल कैटेगरी से 15,000 रैंक तक भी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो आईआईटी पटना के अंदर मिला है। तो बाकी अगर ब्रांच वाले बच्चे हैं तो मैंने आपको बताया कि 25,000 तक भी मिल जाएंगे, कई सारे बच्चों को मिल जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एससी एसटी वाले बच्चे होते हैं, उनके प्रिपरेटरी रैंक बनते हैं, तो प्रिपरेटरी रैंक के अंदर भी उनको एडमिशन मिल जाता है कई सारे बच्चों को। लेकिन इसमें कंडीशन होता है, ये तभी मिल सकता है जब उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कोई एडमिशन नहीं लेता, कोई सीट खाली रह जाता है, तो वहां पे प्रिपरेटरी रैंक वाले बच्चों को एंट्री मिलता है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद आपको एक और एग्जामिनेशन पास करना होता है। अगर वो एग्जामिनेशन आप पास नहीं करते हैं, एक साल के अंदर एक और एग्जामिनेशन होगा और नहीं पास करेंगे तो आपको आईआईटी लीव करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेटरी रैंक में ये कंडीशन होता है। लेकिन अगर आपके पास ये सीआरएल या फिर कैटेगरी रैंक है, कम मार्क्स लाकर भी लगभग देख सकते हैं 79-81 मार्क्स पर भी, यहाँ पे देख सकते हैं 109 मार्क्स पे, 108 मार्क्स पर भी आईआईटी का सीट मिला और काफी अच्छे आईआईटी का। बाकी अगर आपको एक एक करके सारे आईआईटीज का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। उसमें सभी आईआईटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे उस आईआईटी का पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसके कट ऑफ को भी हम डिस्कस करेंगे और 2025 में क्या कुछ रह सकती है, एक एक आईआईटी को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोगों का अगर कमेंट आता है तो। बाकी जो एनआईटी वाला वीडियो मैंने आपको बताया था जिसे आप लोग देखना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड स्क्रीन पे, इसको जाकर के अभी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और जेई वन का जो जेई मेन प्रिडिक्टर पेपर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।